गाइस, हम दोनों दोस्त आज एक कविता सुनाएंगे जो पीरियड के ऊपर है, जिसके माध्यम से हमें पता चलता है कि आज भी इस मॉडर्न एरा में कुछ लोग ऐसे हैं जो छोटी सोच रखते हैं, पीरियड्स को एक पाप समझते हैं या उसके बारे में बात करना नहीं चाहते। पर ये वो ये नहीं जानते कि वो हर एक माँ बहन बेटी जो भी है सबको होता है। ये भगवान की रचना है जो हमें मिला है। कविता की पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं। एक और साल बदल गया, तुम अपने हाल कब बदलोगे? जो मेरे मन में चल रहा है वो सवाल कब बदलोगे? हर घर में यही होता है, हर नारी के स्वभाव में है। सृष्टि के संतुलन के लिए सृष्टि के सुख भाव में है। वक्त कम है, मेहनत ज्यादा है, अभी तुम जैसे हजार हैं। घर घर में कीमत लगी है, मेरे तस्वीरों का ही बाजार है। सुनो, पीरियड है बस, मेरा कोई पाप नहीं है, कुदरत की ही रचना है, मेरे लिए कोई श्राप तो नहीं है। अच्छा, मैंने नाम बोल दिया इसलिए बात काट रहे हो? क्या चुप कराना चाहते हो, इसलिए डांट रहे हो? चलो धीरे धीरे बोल देंगे हम थोड़ा लिहाज करके। तो आते हैं हम थोड़ा तुम जैसों का इलाज करके। नजर घुमाकर देख लो कभी अपने ही घर में, कैसे दर्द जाती हैं तेरे सोच के डर से। खैर छोड़ो, तुम मैं बताओ, हमसे यूं नजरें चुरा रहे? कहीं सच ना कह दो इसलिए तो नहीं घबरा रहे? पीरियड है, मैं कह रही हूँ, चलो अब तुम भी मान लो। यहाँ सबकी सोच ही तुम्हारे जैसी है, थोड़ा इस पे भी ध्यान दो। बड़ी बड़ी बातें बनाते थकते ही नहीं आजकल, देखो वो बात नहीं करते इसके बारे में।